हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और जो हम भी दिसंबर हॉलीडेज गई हैं, उनमें मैं गई थी अपने होम टाउन दिल्ली। लेकिन दिल्ली के पास में बंजारा मार्केट है गुड़गांव में, ये मुझे रिसेंटली ही पता चला। आप अगर मेरा चैनल थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो यू नो कि मैं क्रॉकरी कलेक्ट करने की बहुत शौकीन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सिरेमिक वेयर और अच्छे अच्छे बर्तन अपने किचन के लिए कलेक्ट करना। तो जब मुझे पता चला कि बंजारा मार्केट जैसी जगह मेरे बहुत अप्रोच में है, तो मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाई। और इस बार मैं बहुत प्लान करके स्पेशली दो केबिन साइज सूटकेस छोटे वाले साथ में लेके गई थी, क्योंकि मेरा बहुत मन था बंजारा मार्केट जाके देखने का कि वहां का कलेक्शन कैसा होता है। मैंने सुना था यूट्यूब वीडियोस से कि वहां रेट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, एंड आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। वहां का कलेक्शन भी अच्छा था, रेट्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही मार्जिनल रेट्स पे मुझे बहुत अच्छे सिरेमिक वेयर्स मिल गए हैं। अगर आपने थंबनेल देखा है तो यू आर राइट एट द राइट प्लेस। ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो मैं एक एक करके आपको सारी क्रॉकरी को एक एक करके दिखाती भी हूँ और सबका फिनिशिंग भी दिखाती हूँ और प्राइस भी बताती हूँ। देखते जाइए इस वीडियो को एंड तक। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल टिल नाउ, प्लीज प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल माई वीडियोज वेन एवर आई पोस्ट। एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बड़े ही प्यार से एक एक क्रॉकरी के आइटम को जो है पैक करके, बहुत सारे अखबार वगैरह लपेट कर केबिन साइज सूटकेसेस में पैक करके लाई हूं, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी उनको चेक इन बैगेज में देकर कि मेरी कोई भी क्रॉकरी एक भी टूटना नहीं चाहिए। हालांकि है बहुत अच्छे रेट्स की क्रॉकरी, बहुत सस्ती मिली है, लेकिन फिर भी एक एक पीस प्यार से कलेक्ट किया है, तो व्हाई टेक अ चांस। तो इन दो छोटे सूटकेसेस में जो भी आ पाया उतना मैं लेकर आई हूं। लेकिन आई एम श्योर अब से हर साल जब भी मेरा दिल्ली ट्रिप लगेगा, एक नाइट चक्कर तो बंजारा मार्केट का जरूर लगने ही वाला है। इस बार जब हम गए तो शाम के लगभग 5 बजे के करीब हम मार्केट में पहुंचे थे, और सर्दियों के दिन है तो जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी केयरफुल अबाउट इट ऑल्सो। थोड़ा सा जो मेरी शॉपिंग है वो अंधेरे की वजह से थोड़ी गड़बड़ा गई, लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल मैक्सिमम शॉपिंग इज रियली ग्रेट। तो नेक्स्ट टाइम से मैं दिन में जाने वाली हूँ। अगर आप भी बंजारा मार्केट जा रहे हैं तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि वहां पर इतनी लाइट्स वगैरह नहीं है, वो छोटे छोटे मतलब ऐसे थड़ी पर लगाकर अपना सामान बैठे होते हैं, उनकी शॉप्स नहीं है, दे डोंट हैव लाइट्स एंड ऑल, तो अंधेरे में उतनी अच्छी शॉपिंग की नहीं जाएगी। इसलिए अगर आप भी बंजारा मार्केट जा रहे हैं ना, तो दिन के टाइम पे ही चाहिए। और बंजारा मार्केट का थोड़ा सा एड्रेस वगैरह जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे ये सेक्टर 56 में है गुड़गांव में, और बहुत अच्छा कलेक्शन है। एक बार जरूर अगर आपके अप्रोच में है ये मार्केट तो जरूर जाकर देखिए, वहां पर सिरेमिक वेयर होम डेकोर का बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहां से क्या क्या लिया है। तो जैसे ही मैं मार्केट में एंटर हुई, सबसे पहले मेरी नजर पड़ी थी इन दो मग्स पर। ये बहुत ही बिग एंड चंकी मग्स हैं, बिग साइज, वेरी नाइस ग्लेज एंड वेरी नाइस फिनिशिंग। इनकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, और ये कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। वैसे इसमें बहुत सारे कलर्स थे बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने दो लिए हैं। एंड कैन यू इमेजिन, इनका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज ईच है। ऐसे मग्स अमेजन पर, आपको पता होगा अगर आप होममेड क्रॉकरी, हैंडमेड क्रॉकरी के शौकीन हैं, तो आपको पता होगा हैंडमेड क्रॉकरी कितनी महंगी होती है। रिसेंटली मैंने सिंपल से दिखने वाले वो लाइन वाले डिजाइन के कप्स लिए थे अमेजन से, दे वर फॉर ₹500 फॉर टू कप्स, एंड दीज आर जस्ट फॉर ₹100 फॉर टू कप्स। दीज आर इवन बिगर इन साइज देन दोज। अमेजन से मैंने लिया था, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ 50 रुपीज का एक है, काफी अच्छी इनकी फिनिशिंग है, एज यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। अगली चीज जिस पर मेरा देखते ही दिल आ गया था, ये टी कप्स। इनका डिजाइन बहुत अच्छा है। ये टी कप्स मुझे 6 कप्स का सेट मिला है ₹300 में, जो कि मुझे लगा इज नॉट दैट बैड प्राइस। मैं चाहती तो थोड़ा और बार्गेन कर सकती थी। आपको पता है बंजारा मार्केट में
बहुत बार्गेनिंग होती है। मैं खुद भी कुछ YouTube वीडियोस ही देखकर गई थी और मैंने वीडियोस में ही सीखा कि दे टेल यू थ्री टाइम्स द प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एंड दे कम अप टू 1/3। तो मैंने इसके लिए थोड़ा थोड़ा बार्गेन किया तो 50 ईच में मुझे मिला है, विच इज नॉट दैट बैड। अगर मैं मिंत्रा या अमेजन पर देखूं हैंडमेड टी कप्स तो वो काफी महंगे मिलते हैं, 1000 रुपीज का 6 आता है ऐसा, बट दिस इज रियली नाइस। हाँ, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, इनका कलर भी बहुत अच्छा है, एंड आई रियली लव ऑल ऑफ दीज। देखे ये छोटे छोटे दो ग्लासेस, उनको बहुत अच्छे लगे मेरी बिटिया को, तो वो मुझे लगा ले लेते हैं। एंड इसका प्राइस, कैन यू इवन गेस, दिस इज जस्ट फॉर ₹30 ईच। तो ये मैंने दो ग्लासेस लिए हैं, ये कुल्लर साइज है, आप इसमें चाय भी पी सकते हैं या पानी भी पी सकते हैं, बच्चों के पानी पीने के लिए अच्छा है, कुल्लर से थोड़ा सा बड़ा साइज है एक्चुअली, और काफी अच्छा है इनका फिनिशिंग, इनका भी बहुत अच्छा है। पर ये मैंने बस दो ही लिए हैं, दोनों बच्चियों के लिए एक एक। नेक्स्ट चलते हैं इस पर, ये है छोटे छोटे से चटनी बाउल्स। इनके लिए तो मुझे बिल्कुल बार्गेन भी नहीं करना पड़ा, ये वहां ऐसे ही एक उसने बकेट में रखे हुए थे थोड़े सी एक 3-4 शॉप्स के बाद, एंड ही इजिली टोल्ड दीज आर जस्ट फॉर ₹10 ईच, और मुझे बहुत अच्छे लगा फॉर द प्राइस। आप जानते ही हैं मैं रेसिपी वीडियोस बहुत बनाती हूँ, तो दीज आर गुड फॉर यू नो कीपिंग द इंग्रेडिएंट्स हैंडी आफ्टर मेजरिंग। तो ये इंग्रेडिएंट्स के भी काम आएंगी, चटनी वगैरह सर्व करने के भी काम आएंगी या अचार वगैरह। तो ऐसा मैंने लिया है 6 बाउल्स का सेट, इनमें डिजाइन्स और भी अवेलेबल थे, मैंने ये वाला 6 का सेट ले लिया है और ये मुझे काफी अच्छा लगा फॉर द प्राइस। इसमें तो कुछ बार्गेन भी नहीं करना पड़ा, ₹10 में यार क्या मिलता है आजकल, इमेजिन ₹10 ईच। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, ये बॉल्स, मुझे बॉल्स इकट्ठे करने का बहुत शौक है, मुझे तरह तरह के बॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं, शूटिंग में भी इस्तेमाल होते हैं और वैसे भी मैं घर में बहुत इस्तेमाल करती हूँ। हम फ्रूट्स भी बॉल्स में खाते हैं, नूडल्स भी बॉल्स में खाते हैं, एनीथिंग यू नो दैट इज हैंडी, कुछ भी स्नैक्स वगैरह आप इनमें सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे बॉल्स, ये भी आप इनका भी प्राइस सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे, ये मुझे मिला है सिर्फ ₹30 ईच, इवन यू नो विदाउट मच बार्गेनिंग। शायद उन्होंने कोट किया था 80 ईच, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि मेरी फ्रेंड लेकर गई है 30 में और दे इजीली अग्रीड, ₹30 ईच में उन्होंने मुझे आसानी से दे दिया। इसके मैंने लिए हैं 3 कलर्स, एक तो है ये बेबी पिंक, पेस्टल पिंक रादर, एक है ये ब्यूटीफुल रेड, और एक है ये सी ग्रीन। ये सभी कलर्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे, फिनिशिंग इन सभी की बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल कलेक्टिंग द क्रॉकरी, यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी पीस वेरी केयरफुली व्हाइल बाइंग एट बंजारा मार्केट, वहां पर आपको थोड़ा अच्छे से देख कर लेना पड़ेगा। अंधेरे की वजह से मेरे साथ भी थोड़ी गड़बड़ तो हुई है, विच आई टेल यू व्हाट, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या गलत ले लिया, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ा लेट वहां पहुंची थी। अगर आपकी अप्रोच में बंजारा मार्केट है, आप बिल्कुल टाइम पे जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस अपना एक एक पीस चेक करके वहां से उठाइए।
कुकिंग लेडल, कुकिंग स्पून होल्डर, ये किचन काउंटर पे रखने के काम आता है। इसका कलर मुझे अगर ग्रीन मिल जाता तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन क्योंकि मेरे पास कम ही टाइम था और जहां पर भी मुझे नजर आया मैंने सोचा मैं इसे मिस नहीं करती और ले ही लेती हूँ। ये मुझे सिर्फ मिला है 150 रुपीज में, मात्र रुपए 150 में। ये उन्होंने कोट किया था 350 का, बट मैंने थोड़ा बहुत बार्गेन किया और उन्होंने इजीली मुझे 150 में दे दिया। और ये अच्छा है, इसका भी फिनिशिंग भी अच्छा है और बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। तो मैं आजकल इसे किचन में, बहुत टाइम से मैं इसे लेना चाह रही थी, बस अपने पसंद का डिजाइन नहीं मिल रहा था, वो तो अभी भी नहीं मिला, लेकिन सस्ता है तो ले लिया। अच्छा है, एनीवेज दिस इज रियली गुड। सेट ऐसे, ये इसमें ये टेराजो, ये डॉट डॉट वाला डिजाइन है। और ये एक्चुअली मैं जितना लेना चाहती थी उससे ज्यादा वो बेचारी मुझे देना चाहती थी। उन्होंने कोट तो 650 किया था इन थ्री बोल्स का, लेकिन मेरा इतना इन पे दिल नहीं आया हुआ था, बट वो बहुत देना चाहती थी और मैंने ऐसी रफली बोल दिया कि आई वॉन्ट देम फॉर 250। And guess what? She agreed. She called me back कि मैडम आप ले लो 250 में, बस ले लो। मे भी उनको बहुत सस्ता मिल रहा है, या फिर इसलिए कि उनका बहुत सारा स्टॉक एक साथ आता है बनकर राजस्थान से या कहीं से, उनको मे भी कॉस्ट बहुत इफेक्टिव पड़ता है, वरना ऐसे कोई क्यों बेचेगा। बट स्टिल दे आर ऑल्सो अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, दैट्स वाई मे बी। और अदरवाइज यू नो बहुत ज्यादा बार्गेन नहीं भी करने का मेरा मन था, लेकिन उसका बहुत देने का मन था। एंड शी कॉल्ड मी अगेन एंड अगेन, तो मैंने खरीद ही लिया। एंड दिस इज ऑल्सो गुड, रियली गुड। थ्री बोल्स का सेट है, 500, 350 एंड 200 ml कैपेसिटी के थ्री बोल्स है। रियली गुड, नाइस थिक स्टोन वेयर। और ये डिश वॉशर सेफ भी है, मैं इनमें से एक दो चीजों को डिश वॉशर में डालकर देख भी चुकी हूँ एंड देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो भी थिक स्टोन वेयर है आई थिंक उनको कोई प्रॉब्लम होने भी वाली नहीं है, दिस आर ऑल डिश वॉशर सेफ। इसके अलावा मैंने ली है ये डीप पास्ता प्लेट्स, ये भी मैं बहुत दिनों से लेना चाहती थी। और अमेजन वगैरह पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कॉस्टली है, अराउंड 800-890 के टू पीसेस का सेट मिलता है। और इसका प्राइस मुझे मिला है, सी हाउ गुड द फिनिशिंग इज एंड द साइज इज ऑल्सो रियली नाइस फॉर हैविंग पास्ता फॉर वन पर्सन और नूडल्स फॉर वन पर्सन और एनी सच थिंग फॉर दैट मैटर, सैलड ऑल्सो। और इनका कलर भी बहुत अच्छा है, इसमें और भी कलर्स थे, रेड ग्रीन, पहले मैं ग्रीन लेना चाहती थी लेकिन फिर बिटिया को ये ब्लू ज्यादा पसंद था तो हमने ब्लू ही ले लिया। और ये उन्होंने कोट किया था 200 ईच, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत बार्गेन किया और उन्होंने मुझे इजिली दे दिया ₹80 ईच में। और मैं आपको बताऊं, जब हम वापस आ रहे थे ना, मैं देहरादून भी गई थी, देहरादून में भी मेरा एक घर है मम्मी का, तो हम जब वहां गए थे उसके रास्ते में मिडवे पर भी कुछ लोग ऐसे सिरामिक का सामान बेच रहे थे एंड एग्जैक्ट सेम प्लेट्स, एग्जैक्टली सेम प्लेट्स दे वर सेलिंग एट 200 ईच एंड दे वर नॉट रेडी टू बार्गेन एट ऑल। और बंजारा मार्केट में मुझे वही सेम प्लेट मिली है ₹80 ईच में, तो मैंने ऐसे लिए हैं ये चार प्लेट्स का सेट।
और इसके साथ ही मैंने और दो छोटे छोटे प्लेटर लिए हैं। ये बेसिकली मैंने फोटोग्राफी के लिए ही लिए हैं, कोई ना कोई रेसिपी छोटी बड़ी कपकेक्स कुकीज वगैरह रखकर अलग अलग प्लेटर में मैं फोटोज लेना पसंद करती हूँ। तो ये आजकल ऐसा हाफ एंड हाफ डिफरेंट कलर का डिजाइन भी बहुत चल रहा है, तो ये मैंने ऐसे दो लिए हैं। दीज आर जस्ट फॉर ₹50 ईच। नाइस गुड थिक स्टोन वेयर, वेरी नाइस फिनिशिंग। क्लासी लुकिंग वुडन बोल की तरफ। तो ये एक वुड बोल है, आई थिंक ये एक्सपोर्ट सरप्लस समथिंग क्वालिटी है, जो भी इसमें डॉलर में प्राइस लिखा है 9.99 वट एवर इट इज। ये एक बहुत बढ़िया सा सैलेड बाउल है जिसमें यहाँ पर ये फूड सेफ एनामल है, ही टोल्ड मी, बट आई डोंट थिंक इट विल बी यू नो कम्प्लीटली सेफ फॉर यूजिंग इट फॉर वेट सैलेड्स। लेट मी सी हाउ आई यूज इट। आई कैन यूज इट फॉर डेकोरेटिव पर्पज एज वेल। और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में, और इसको तो देखते ही मेरा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। जैसे ही मुझे दिखा आई हैड टू बाय इट। और उन्होंने कोट किया था 550, मैंने इसे लिया है 300 में, और साथ ही 300 में लेके मैंने ये कोस्टर भी उनसे फ्री लिया है। थोड़ा बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए मुझ में भी है, तो ये एक कोस्टर उन्होंने मुझे फ्री दिया है। एनीवेज दीज टू आर लुकिंग रियली नाइस एंड गुड। बहुत जरूरी चाहिए था, सिरेमिक के मिक्सिंग बोल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप ब्रांडेड लेने जाएं, इफ यू हैव सीन एवर, तो वो बड़े अच्छे साइज के सिरेमिक बोल्स आराम से 2-2.5 thousand के मिलेंगे। मैंने होम सेंटर पे देखा है और मेरा बहुत मन था काफी टाइम से लेने का। मैं बंजारा मार्केट में स्पेशली ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था और सिर्फ एक ही शॉप पर मुझे एक डिसेंट साइज मिक्सिंग बोल दिखा, और मैंने सोचा एक ही है तो मुझे तो एक तो लेना ही लेना है, और मैंने ये पीस पिक कर लिया। दिस इज गुड साइज, आई थिंक 1.2 लीटर इसकी कैपेसिटी है, और डिजाइन अच्छा है, फिनिशिंग अच्छी है, साइज अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ है ये, और गुड इनफ फॉर मिक्सिंग अ केक बैटर ऑफ यू नो 9x5 केक टिन। ये मुझे मिला है 300 में, उन्होंने इसका कोट किया था 650, लेकिन मैंने भी बार्गेन किया और उन्होंने 300 में मुझे इजीली दे दिया। और फॉर 300 दिस इज रियली 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 गुड डील। अगर आपने सिरेमिक बोल्स मार्केट में देखे तो आपको पता होगा जरूर। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड यू आर गोइंग टू सी इट वेरी सून इन माई वीडियोज। दिखा देती हूँ कि कुछ समय पहले, थोड़े ही टाइम पहले, गुड़गांव में ऐसे ना बंजारा मार्केट है, ये तो मुझे अभी रिसेंटली पता चला, लेकिन वहां ना सिग्नल्स पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ऐसे ही सिरेमिक वेयर लेकर। मिल तो ये सब बेंगलोर में भी जाता है, लेकिन बेंगलोर में वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह लगाकर इनकी कॉस्ट बहुत बढ़ा देते हैं, प्राइस बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन गुड़गांव में अगर आप जाएं ना तो डिसेंट प्राइस पर ये चीजें मिल जाती हैं। ये वाला बोल आपने मेरे कुछ वीडियोस में भी देखा होगा, ये भी सिरेमिक बोल है, ये भी अच्छी खासी कैपेसिटी इसकी, आई थिंक 800 ml या 1 liter के अराउंड कैपेसिटी होगी, बट ठीक है छोटे मोटे केक मिक्सिंग के लिए, सैलेड मिक्सिंग के लिए मेरा फेवरेट बोल है। ये भी मैंने 350 या 400 का लिया था कुछ 3.5-4 साल पहले। ये मैंने सिग्नल पर जो लोग सिरेमिक वेयर लेकर बैठे रहते हैं उनसे लिया था।
तब तक मुझे पता ही नहीं था कि बंजारा मार्केट जैसी भी कोई जगह है। एनीवेज ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मैंने उन्हीं लोगों से लिया हुआ है। चलते हैं कुछ प्लांटर्स की तरफ जो मैंने वहां से लिए हैं। प्लांटर्स वर द लास्ट थिंग आई बॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट। बेसिकली मुझे चाहिए थे कुछ प्लांटर प्लेट्स, इस तरह की सिरेमिक की प्लेट्स जो कि प्लांटर से एक्स्ट्रा वाटर ऐसे नीट रखता है एरिया को, एक्स्ट्रा वाटर ड्रिप प्लेट कहते हैं ना, पानी इसमें ड्रिप कर जाता है और आपका कोई भी सरफेस गंदा नहीं होता। तो ऐसी प्लेट्स वहां पर 20 रुपीज ईच में बहुत सारी मिल रही थी। ऐसे छोटा साइज तो सिर्फ 10 रुपीज ईच में था। बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं है इनकी, वैसे शायद अच्छी फिनिशिंग वाली भी मिल जाती अगर अंधेरा ना होता और मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता, लेकिन मैं भी जल्दी में थी। मैंने उन्हीं को बोल दिया कि आप मुझे ऐसे 6 प्लेट्स निकाल कर दे दीजिए एंड दिस इज व्हाट ही हैज गिवन मी, बट फाइन, इट्स फाइन फॉर 20 रुपीज ईच, राइट। तो मैं एक्चुअली बहुत शौकीन हूं, मैं ऐसे बहुत सारे प्लांट प्रोपोगेट करती रहती हूँ, तो मेरे पास छोटे छोटे प्लांटर्स और छोटी छोटी प्लेट्स हमेशा स्टॉक में पड़ी रहती हैं। जब भी मैं कोई नया प्लांट प्रोपोगेट करती हूँ ऐसे रख देती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांटर्स और प्लेट्स हैं। तो इस बारी मैं लाई हूँ ऐसी 6 प्लेट्स, 20 रुपीज ईच, इज रियली गुड। अमेजन पर एक बार मैंने लिया था, थोड़ा सा बड़ा इससे, इतना आई थिंक 1 इंच बड़ा साइज होगा, स्क्वायर ही है वो भी सिरेमिक प्लेट। That was ₹350 for 2 plates and this is ₹20 each. So not a bad deal at all. Drip plate ही है, आप जो neat side है वो आगे रख दीजिए तो ये जो finishing है ये नजर ही नहीं आएगी। तो ऐसे मैंने लिए हैं 6 pieces और साथ ही मैंने लिए हैं ये थोड़े से planters। ये जो drip plates हैं और जो planters हैं वो एक ही shop से मैंने लिए हैं और अंधेरा हो चुका था एंड माय बेबी आल्सो स्टार्टेड क्राइंग एट दैट टाइम। तो फिर मुझमें भी उतनी वो एंथुसियाज्म नहीं बची थी, लेकिन बस 20 रुपीज ईच मिल रहा था, यू नो, यहाँ पर बार्गेन करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, इजीली सामान ऐसे रखा हुआ था एंड ही टोल्ड मी टू पिक एनी फॉर 20। तो मैंने लिए हैं ये 4 ऐसे प्लांटर, इनमें अच्छे खासे होल भी हैं फॉर एक्सेस वाटर। मैंने लिया है ये हार्ट शेप प्लांटर, ये ऐसा एक पैटर्न वाला, एक ये डुअल कलर और एक ये ऐसा। लेकिन अगेन ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो गया अंधेरे की वजह से, इन सब में ही थोड़ा थोड़ा क्रैक है, बस मुझे ध्यान से लेना चाहिए था। बट एनीवेज जस्ट फॉर ₹20 क्रैक है भी तो भी कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन के लिए इसमें कोई पौधा रखकर चला ही सकती हूँ। बंजारा मार्केट शॉपिंग से बहुत खुश हूँ एंड डेफिनेटली एवरी टाइम आई गो दिल्ली मैं जरूर 1-2 बैग एक्स्ट्रा लेके जाने वाली हूँ और बंजारा मार्केट जरूर जाने वाली हूँ। और अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं, गुड़गांव रादर, तो जरूर जरूर बंजारा मार्केट जाइए। इनफैक्ट थोड़े थोड़े दिन में वहां कलेक्शन भी चेंज होता रहता है, आप वहां जाकर देखते रहिए, वहां पे लेटेस्ट सिरेमिक वेयर आता ही रहता है। और अगर आप भी मेरी तरह एंथुजियास्ट हैं क्रॉकरी कलेक्ट करने के, तो आपको वो मार्केट जरूर पसंद आने वाली है। वहां पर और भी बहुत सारा स्टफ था एक्चुअली, जितना मेरे पास देखने का टाइम भी नहीं था, वहां पर बहुत सामान था। नेक्स्ट टाइम तो मैं जब भी जाऊंगी आपके लिए बंजारा मार्केट का शॉर्ट क्लिप का वीडियो भी बनाकर लाऊंगी, इस बार ही पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन एनीवेज दैट विल कीप फॉर नेक्स्ट टाइम एंड आई होप आपको ये मेरा शॉपिंग अच्छा लगा होगा। मुझे जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी और ये वीडियो कैसी लगी, अब मेरी वीडियोग्राफी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है या नहीं ये भी मुझे बताइए। आई रियली डू नीड योर फीडबैक टू इम्प्रूव एंड टू ग्रो ऑफकोर्स and keep supporting the channel and thank you so much to all those who have subscribed the channel recently। मेरे 1000 subscriber पूरे हुए हैं and I really really thank you all for subscribing and keep supporting and if you have not subscribed again please do subscribe, let me know in the comments how you like this video and thank you so much for watching, enjoy your day।